ना पैन कार्ड दिया ना लोन मांगा, जिसके लिए चक्कर काटना पड़ा है वो बिन मांगे मिला। बैंक का कमाल, बिना सहमति के पास किया लोन। ना कभी बैंक गए ना किसी को पैन कार्ड दिया, फिर भी लोन आ गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बिना आवेदन आपके नाम पर कोई लोन पास हो जाए तो कैसा लगेगा ये जानकर? ये सुनने में भी अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसा हुआ है, वो भी मनिहारी में। दरअसल नीमा पंचायत में एक साथ कई परिवार ठगी के शिकार हो गए। इस मामले के बारे में नीमा पंचायत के समिति मुबारक अंसारी ने बताया कि फिनो बैंक, बंधन बैंक और कई बैंक से महिलाओं के नाम पर लोन पास करा दिए गए। वहीं जिनके नाम से लोन है उसको इसकी कोई जानकारी नहीं है। देखिए, ये लोग समूह से जुड़ी हुई महिला है और इन लोग एक समूह चलाता था। इन लोगों का टीम था, 11-12 आदमी का करके टीम चलाता था। कुल शायद ये लोग 300 के करीब में है और इन लोगों के नाम से लोन अचानक आ गया है। इन लोगों को जानकारी भी नहीं था, तो जानकारी लेने के लिए हम यहाँ थोड़ा आए थे एक दो दिन तहकीकात करने के लिए। सारे महिलाओं से पूछे भी, इन लोगों का कहना है कि हम लोन के बारे में नहीं जान रहे हैं और लोन का भरपाई कर रहा है लोग। उधर बैंक के कर्मचारी जब लोन वापस करने के लिए दबाव बनाने लगे तो महिलाएं आक्रोशित हो गईं। इस दौरान ग्रामीणों ने बैंक से रिकवरी करने आए लोगों को बंधक बना लिया। बिना जानकारी दिए लोन कैसे पास हो गए लोगों के नाम से? यहाँ हम लोग नए आए हुए हैं, ठीक ना, जो पहले से यहाँ था वो लोन जो बटा है। आखिर आप जिस बैंक में काम कर रहे हैं, लूट खसोट तो आपके बैंक के ही द्वारा कराया गया है, जो भी किया है? ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। मेंबर के अकाउंट में पैसा दिया गया है, मेंबर के अकाउंट से फ्रॉड अगर होता, अभी लाभुक के अकाउंट से अगर फ्रॉड होता है तो उसमें जिम्मेदारी लाभुक का भी है। कैसे? ऐसा नहीं है। कैसे? आपके अकाउंट में पैसा रहेगा, कोई दूसरा आदमी आपसे फिंगर लगा के निकाल लेगा पैसा CSP के माध्यम से, तो उसमें बैंक आपका क्या करेगा? 300 से अधिक लोग इस तरह की ठगी के शिकार हो चुके हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो खाता खुलवाने के बाद कभी बैंक भी नहीं गए और ना किसी को पैन कार्ड और आधार कार्ड दिया। इसके बाद भी जालसाजों ने उनके नाम पर लोन पास करा लिया। सर बोलते थे कि ये आ रहा है, ऑफर आ रहा है, किसी को बोलता था कि शौचालय का पैसा आ रहा है। तो दीदी कितनी, गांव की दीदी कितनी होती है? हम लोग को सीधा पाके अनपढ़ पाके ऐसा क्या है कि हम लोग, और लोन देने वाला कैसा था कि हम लोग को कभी छानबीन नहीं किया, कभी देखने नहीं आया, वो कुछ भी नहीं। जैसा इरशाद के द्वारा उतना इतना लोन दे दिया, एक एक आदमी को कहीं ऐसा होता है कि तीन तीन को लोन देता है? मामला तो सर हम नहीं बता पाएंगे, वो लोग जानेगा क्या मामला किया, नहीं किया, कैसे किया, नहीं किया, पर ठगी ये हुआ ये जानते हैं। कितना रुपए का ठगी हुआ? 50 से ऊपर होगा लगभग। क्या 50 लाख से ऊपर होगा। कितना मिला? 302 लोन है, किसी का 2 है, किसी का 1 लाख है, किसी का 80,000, किसी का 65,000, किसी का 50,000 है, ऐसे मिला के 302 लोन है। तो आपके नाम से लोन है? हाँ, हमारे वाइफ के नाम से है। आपको कोई जानकारी नहीं था? ना, कुछ जानकारी नहीं। हाँ, एक जब वहाँ से मैनेजर आया इसको, इसके भागने के बाद तब हमको पता चला है। वहीं एक व्यक्ति इरशाद अंसारी तो घर से परिवार के साथ फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार इरशाद अंसारी ने अपना घर, खेत की जमीन बेचकर लोन वापस भी किया। उधर एक एक्सपर्ट का मानना है कि इस तरह के ज्यादातर लोन कुछ ऐप्स और मिनी बैंक से स्वीकृत हो रहे हैं। यह महज दस्तावेज के आधार पर लोन स्वीकृत करते हैं। न्यूज़ लाइव डेस्क, कटिहार।